अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया गज़ाला आप लोग सबक पे रहा है। एक नज़र हेडलाइंस से, पार्टी पॉलिसी का हटी करे को भी मेंबर वोट कास्ट कंदो त न गणियो वेंदो। आर्टिकल 63 ए सियासी पार्टियों के तहफुज़ फराम कंदो आहे, उनके अकेले सिर नथो पड़ी सके। पार्टी से बगावत सियासी पार्टियों के गैर मुस्तकम जमहूरियत के डीरेल करे सके थी। आर्टिकल 17 तहत सियासी पार्टियों जा हक आन। आर्टिकल 63 जो मकसद बगावत रोकना है, जैं जो असल मकसद सियासी पार्टियों के मेंबर के बगावत का रोकना है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह बाबत सदारती रेफरेंस से पांजी राय दई छी। अदालत मेंबर की नाइली जो मुद्दों तय करण बाबत सदारती सवाल वापस सुमाणी से चयो तो बगावत कंदड़न की नाहली जो मुद्दों केतरो हुंदो, उन जो फैसलो पार्लियामेंट कंदी। उहो ही बेहतर वक्त है तो पार्लियामेंट नाहली के मुद्दे जो तयन करण लाइ कानून साजी करे। फैसले से सुप्रीम कोर्ट के बिन जजिस जस्टिस जमाल खान बंदोखिल ए जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल इख्तिलाफ कयो। फैसलो ब की भेट में 3 की अक्सरियत से बुधायो। अदालत बाकी मेंबरन के सजी जमान लाए नाहल करार दियण बाबत पीटीआई की दरख्वास्त रद्द कर छी। अदालती फैसले बाद पार्टी से बगावत कंदड़ मेंबर सजी जमान लाए नाहली का बची वा। पीटीआई अगवान फवाद चौधरी चवाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद वफाकी पंजाब हुकूमतों अमली तौर खत्म थी चुकी हैं। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज अक्सरियत विञाए चुका है। सुप्रीम कोर्ट बागी मेंबरन बाबत तहरीक इंसाफ जो मौकफ़ तस्लीम किया है। अदालती फैसले बाद मीडिया से गालाइंदे फवाद चौधरी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की राय फैसलो होंगी है जैसे अमल कर सभी जो फर्ज है। पंजाब में हमजा शहबाज वट 171 मेंबर आने पर खेस अक्सरियत लाए 186 मेंबर घुर्जन। सदर शहबाज शरीफ के कदें भी एतमाद के वोट जो चई सके तो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद पंजाब के वे वजीर हमजा शहबाज की हुकूमत ला आइनी मुंझारा पैदा थी वह। हमजा शहबाज शरीफ के पीटीआई से बगावत कंदड़ 15 मेंबरन मौत दिनों हो। अदालती फैसले बाद हमजा शहबाज आइनी कानूनी माहिरन जो इजलास सदाए वरतो। वफाकी हुकूमत सियासतदान ने कामोरन खिलाफ नेब जा अख्तियार तब्दील करने जो फैसलो करे वरतो। जरियन मौजिब करप्शन के नाले ते नेब कार्रवाई के अख्तियारन वारो दायरो तब्दील करने लाए नेब ऑर्डिनेंस में 31 तरमीमू तैयार कई हुई। करप्शन केसेस में नाइली 10 साल बदरा 5 साल लाइ हूँ 5 साल लाइ इलेक्शन विढ़ी सकबी। करप्शन केस में सजा ते अपील जो हक खत्म थियण तई अवामी अहदे ते फायज रही सकंदो। नयन तरमीमन में नेब जो जवाबदार के गिरफ्तार करण जो अख्तियार खत्म कई वो। हाने अदालत की मंजूरी से नेब जवाबदार के गिरफ्तार कर सकंदी। वफाकी हुकूमत नेब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हटाने जो फैसलो करे वरतो। जरियन मौजिब नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो मुद्दों 2 जून ते खत्म थी रो है। आए जदें ऑर्डिनेंस खत्म थींदो त मौजूदा नेब चेयरमैन पांजे ओहदे ते बरकरार न रही सकंदो। नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मौजूदा चेयरमैन के ईंदड़ चेयरमैन की मुकररी तई कम जारी रखने की शिकस्त शामिल कई हुई। जावेद इकबाल आर्जी इंतजाम तहत इन वक्त नेब चेयरमैन तौर कम कर रो है। नौजवानन लाए खुशखबरी, सिंध हुकूमत आईबीए टेस्ट में 40 मार्कू खणंदड़ उम्मीदवारन के नौकरियों देण जो ऐलान करे छड़ियो। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण है त 40 मार्कू खां घट वारन उम्मीदवारन के ट्रेनिंग देण खां पोए बीहर टेस्ट वरती वेंदी। एक महीने खां पोए आईबीए बीहर टेस्ट वठी पास थियण जी सूरत में उम्मीदवारन के नौकरियों दिनियूं वञन। हार्ड एरिया में 40 मार्कू वारन के पास करे सकजे तो त बियन इलाइकन वारन के भी पास करे सकजे तो। आईबीए टेस्ट तहत मेरिट की बुनियादन से उस्तादन के मुकरर कर दिया है। कराची में थियल ताजन बम धमाकन में भारतीय एजेंसी रा मुलविस है। कानून लागू कंदड़ इदारे ताजन धमाकन बाबत तजियाती रिपोर्ट कर वरती। रिपोर्ट में चयो है त सदर ए बोल्टन मार्केट में टन दहशतगर्दन ग्रोह ने एक बे की मदद कई। मुतहदा लंडन के स्लीपर सेल का मुबैना तौर इलाक़े की रेखी जो कम वरतो वो। माजी में अड़े किस्म जहा बम ठाने नस्ब कर धमाका करण जो
कम कलदम बीएलए जो तरीको रो है। एसआरए भी सूबे के अंदरूनी इलाक़ में अड़ो कम कंदी रही है।